हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी एंड दिस इज अंकित सर। आज हम लोग लेके आ चुके नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियोमीटर। इससे पहले हम लोग ने जो भी टॉपिक डिस्कस किया था, लाइक केल्विन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, उसी से रिलेटेड अब पोटेंशियोमीटर भी है। हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोटेंशियो जो मीटर है वो क्या है, ये कौन सा डिवाइस है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, क्या काम में आता है, ये सारे चीज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसका जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, इसमें हम लोगों को 3 यूजेस दिए गए हैं, वो सारे यूजर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ ही में आपको नोट्स भी बनाना शुरू कर देना है मेरे साथ, और ये लेक्चर सुनने के बाद, समझने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना है। जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके अंदर, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम सीखेंगे, आपको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश भी करना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेम पोटेंशियोमीटर, देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियो की बात किया जा रहा है, वो पोटेंशियो का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और मीटर का मतलब होता है, मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम लोगों को रीडिंग्स बताता है, राइट। तो यानी कि हम लोग इस डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और एक डिवाइस है जो वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर बड़ा प्यारा सा डिवाइस है, वोल्टमीटर रिलायबल है, मोबाइल है, आप उसको किधर भी लेके जा सकते हैं, छोटा सा एकदम होता है, और हम लोग वोल्टमीटर का भी यूज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो ये पोटेंशियोमीटर क्यों, तो बेसिकली क्या होता है, वोल्ट मीटर कुछ करंट ड्रॉ करता है सर्किट में से, कुछ करंट यूज कर लेता है इन ऑर्डर टू शो द रीडिंग। जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जो रीडिंग होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग बताने के लिए वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट यूज करता है। यानी कि वोल्ट मीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं देगा, आपको जो रीडिंग वोल्ट मीटर देगा उसमें थोड़ा एरर्स हो सकते हैं, और ये जो पोटेंशियल हो सकते हैं मतलब होंगे ही, और जो पोटेंशियोमीटर होता है बिना किसी करंट यूज कर किए हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देता है। हैंस हम बोल सकते हैं पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच गिव परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एनी सर्किट। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले जो पोटेंशियोमीटर होता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे, तो इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस वायर होता है ऑफ फ्यू मीटर। तो यहाँ पे मैं वायर बना दूंगा, ये इस तरीके का फ्यू मीटर का वायर होता है यहाँ पे, ये इस तरीके का, और ये वायर, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर रहता है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब वो, अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में सिर्फ इतने का रेजिस्टेंस चेक करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, आप इस पॉइंट का रेजिस्टेंस चेक करोगे तो आप देखोगे रेजिस्टेंस बदल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस वायर, इसके लिए अलग अलग लेंथ पे आपको रेजिस्टेंस अलग मिलेगा, क्लियर है, ओके। अब ये जो रेजिस्टेंस वायर है, इसके दो टर्मिनल जो है, ये मीटर कुछ मीटर का होता है, ए और बी नाम दे दिया, और इसको आप लोगों को कंडक्टर से कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, और ये कंडक्टर के बीच में मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। बैटरी क्या होता है सब लोग को पता, अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ है ईएमएफ हम लोग को बैटरी से मिल रहा है, ओके। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉइंट को ए मान लो, ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है उसको बी मान लो। तो ये आपका कंडक्टर वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कंडक्टर है। इसके लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो लो होगा, ना के बराबर होगा, ओके। और ये रेजिस्टेंस वायर, इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये एक पोटेंशियोमीटर का हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब जिस दो पॉइंट के बीच में हम लोग को पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, उसके बीच में हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे ए और बी पॉइंट, ठीक है, ओके। इसका यूज क्या है, यहां पे हम लोग लिखेंगे इट इज यूज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है, वो प्रिंसिपल को आप समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले तो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे, यानी लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। और जो ओम्स लॉ है बी इज इक्वल टू आई आर, ये भी बोलता है कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं।
अगर RL पे डिपेंड करता है, VR पे डिपेंड करता है, तो मैं बोल सकता हूँ V लेंथ पे भी डिपेंड करता है। और यही प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के हिसाब से वैरी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ऑन दी लेंथ। यानी अगर आप ये दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढोगे और अगर आप ये दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो आपको दोनों पोटेंशियल डिफरेंस अलग दिखाई देगा, बिकॉज लेंथ बदल रहा है, लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस बदला और रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो ये प्रिंसिपल है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिटेल। ओके चलो अभी ध्यान से देखना। नाउ मान लो द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, देखो अभी ए और बी भी पॉइंट के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करूं, पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, व्हाट इज द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज ई, ये आपने ईएमएफ दिया, दिस इज द वोल्टेज ई। तो पॉइंट ई के बीच जो पॉइंट ए और बी है, ए और बी के बीच में ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज कितना ई। और ऐसे मान लेते हैं हम लोग ए से लेके बी तक का जो लेंथ है वो कैपिटल एन है, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कैपिटल एल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आप ए और बी पॉइंट के बीच में यानी कि टोटल लेंथ एल के लिए वोल्टेज देखोगे तो आपको दिखाई देगा, टोटल लेंथ एल के लिए आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है ई, किसे भी मेजर करो वोल्ट मीटर से किसी से, आपको कितना दिखाई देगा, कैपिटल ई। और अगर आपने किसी यूनिट लेंथ पे मेजर किया, सिर्फ एक मीटर या एक सेंटीमीटर लेंथ पे मेजर किया, या तो ऐसे मान लो कि आपने ये दोनों पॉइंट, ये कोई पॉइंट पी है और आप मेजर करते हो और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैं बोल देता हूँ आपको लेंथ ए पी है, लेंथ बिटवीन ए एंड पी, आपने पहले ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज मेजर किया तो आपको पूरा का पूरा वोल्टेज ई दिखाई दे, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस लेंथ एल इज ई, ठीक है। अगर आप ए और पी पॉइंट के बीच में वोल्टेज देखते हैं तो ये कितना दिखाई देगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेंथ जब ए और पी होता है तो आपको वोल्टेज कितना दिखाई देगा, हमें नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, क्रॉस कर दो तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा इज इक्वल टू ई इंटू एल ए पी। आपको एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स क्या है, एक्स है ए और पी के बीच का वोल्टेज, या तो आप इसको ऐसे बोल दो वी एक्स, Vx बोल दिया मैंने, वोल्टेज x है हमें नहीं पता, ठीक है। तो आपको Vx चाहिए यानी कि वोल्टेज A और P के पॉइंट के बीच का चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Vx into L, VxL हो गया और LAP into EP। अब यहां से आपको Vx चाहिए तो Vx क्या हो जाएगा, Vx is equal to, ध्यान से देखोगे ये जो L है इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा E upon L into LAP। और ये चीज को आपको ध्यान से देखना, यही चीज हम लोगों को आंसर दे रहा है, ये चीज हम लोग को आंसर दे रहा है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है A और P का फिलहाल अभी, वो होता है टोटल वोल्टेज जो आपने दिया था बैटरी से अपन टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ बिटवीन दो टू पॉइंट जिसके बीच में आप वोल्टेज चेक करना चाहते हो। और एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो, अगर मान लो आप लोगों को वोल्टेज चेक करना है ए और क्यू पॉइंट के बीच में, ए और क्यू पॉइंट, मान लो यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और अगर ये दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ है ये वाला ए और क्यू के बीच का लेंथ आप बोल दो एल ए क्यू है और यहाँ पे आपको वोल्टेज चाहिए, तो मैंने लिखा वोल्टेज बिटवीन ए क्यू, ये हो जाएगा पूरे सर्किट का जो ईएमएफ है, बैटरी का जो ईएमएफ है, देखो यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ अपॉन टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड मल्टीप्लाई बाय ये दोनों के बीच का, जिस दो पॉइंट के बीच में आप वोल्टेज फाइंड करना चाहते हो वो दोनों बीच का लेंथ जो होता है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा ए और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो एकदम सिंपल वोल्ट मीटर का एक सिंपल फॉर्मूला है, राइट आप देख सकते हो ई अपॉन एल इंटू एल ए पी। और एक अगर एग्जाम्पल देखना है तो और एक एग्जाम्पल देख लेते, जैसे मैंने आपको बोला कि ए और यहाँ पे कोई पॉइंट एस है और ए और एस के बीच में जो लेंथ है वो भी हम लोग बता देते हैं, ए और ये एस के बीच में जो लेंथ है, ठीक है, मान लो लेंथ ए एस है, ये आप ये पॉइंट के बीच में आपको ए और एस पॉइंट के बीच में वोल्टेज चाहिए तो कैसे मिलेगा, वापस एक एग्जांपल,
वोल्टेज बिटवीन ए एंड एस, तो ये हो जाएगा पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना डिवाइड बाय पूरा लेंथ कितना मल्टीप्लाई बाय वो दो पॉइंट यानी ए और एस के बीच का लेंथ कितना, इसको मल्टीप्लाई करो यू विल गेट दी वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड एस. सो दिस इज दी वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड एस. सो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट. किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम लोग इस फॉर्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज दी फॉर्मूला दैट इज टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट. क्लियर? सो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट. ओके, नाउ हम यहां पे देख सकते हैं ई बाय एल, E by L and E by L. This is the common for each and every. जितने भी एग्जाम्पल ये सब में कॉमन आ रहा है. So this E by L is called as potential gradient. और ये constant होता है. Therefore E by L जो यहाँ पे आपको दिख रहा है is called as potential gradient. Potential gradient. Gradient क्या होता है? कोई भी quantity को अगर length के ऊपर depend कर रहे हैं हम लोग तो उसको potential gradient का नाम दे देते. यहाँ पे हमारा पोटेंशियल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट. इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई बाय एल को आप के भी लिख सकते हैं. तो अब यहाँ से हम लोग एक नया रूल बनाएंगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज एक्स वाई ये होगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि के होगा और लेंथ जो होगा वो दोनों के बीच में. राइट, पोटेंशियल ग्रेडियंट. देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन लेंथ, potential gradient between length, potential gradient between length. So voltage potential difference between any two point is equal to constant that is E by L, potential gradient multiplied by length between those two point. So this is very important formula to calculate potential difference using potentiometer. अभी ये जो हम लोग ने potential gradient देखा इसका अगर unit की बात करोगे, यहाँ पे हम side में लिख लेते हैं इसकी unit की बात करेंगे, तो unit क्या होगा? देखो इसका unit होगा ये क्या potential यानी कि volt अपॉन ये क्या लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियोमीटर. क्लियर? एकदम सिंपल. तो क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल यही है कि अगर आप अलग अलग लेंथ पे वोल्टेज को चेक करोगे तो द वोल्टेज विल बी डिफरेंट. अगर आप ए और बी पॉइंट के बीच में पूरे लेंथ के लिए वोल्टेज चेक करोगे तो वोल्टेज आपको पूरा का पूरा ई दिखाई देगा. अगर आप अलग अलग लेंथ पे चेक करोगे तो वोल्टेज आपको अलग अलग दिखाई देगा. तो लेंथ कम होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा दो पॉइंट के बीच का, अगर लेंथ बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा. क्लियर? तो आपको याद रखना है अगर पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज फाइंड करना है तो वो दो पॉइंट के बीच का अगर हम लोगों को लेंथ पता है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज कांस्टेंट E बाय L. E मतलब वो जो हम लोग ने बैटरी कनेक्ट किया उसका वैल्यू क्या है और पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ क्या है उसका रेशियो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. पोटेंशियल ग्रेडियंट को वो दो पॉइंट जिस दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज फाइंड करना चाहते हो उनके लेंथ से मल्टीप्लाई करो आपको वोल्टेज मिल जाएगा. तो आई होप कि सब लोग को अच्छे समझ में आ गया. अगर समझ में आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे. हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.